भेजे पाने का संकेत ऑन कर दिया है। सभी यात्रियों से निवेदन है बोल रहा है फोटो मत खींचेगा फोन से ना लगा औकात है। तो हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा मेरे नए वाले ब्लॉग में। और अभी मैं हूँ एयरपोर्ट पे, जैसा कि थंबनेल देखकर समझ चुके होगे। तो ये है पूरा पटना एयरपोर्ट का नज़ारा, कुछ इधर से ऐसे है। अभी यहाँ से जस्ट एंट्री की है और मैं अभी फर्स्ट बार जा रहा हूँ पटना एयरपोर्ट पे, पहले गया हूँ तो देखते हैं क्या क्या है, कैसे कैसे है प्रोसेस, और समझाता हूँ आराम से बैठ के, दिखाते हैं कि हाँ कहाँ जाना है कैसे जाना है वो समझाएंगे आराम से। अभी यार पूरा मतलब मैं सही टाइम पे ही पहुँचा हूँ, एंट्री के टाइम पे ही, पहले नहीं आया। तो चलो मिलते हैं एंट्री के टाइम पे। तो ये है एंट्री गेट, यहाँ पे पता नहीं यहाँ पे क्या क्या होता है। तो यार देखो एयरपोर्ट में तो इंटर कर चुके हैं और यहाँ से आगे का प्रोसेस क्या है मुझे ज़्यादा डिटेल में नहीं पता, क्योंकि मैं बस एक बार इमरजेंसी में फ्लाइट में गया हूँ और यहाँ का एंट्री नहीं पता है, किधर से कहाँ से है, कितना पैदल चढ़ना पड़ेगा मुझे ये भी नहीं पता है। ये पार्किंग वाला पूरा है सब देखो, और एयरपोर्ट पे मतलब तुम लोग को लोग अमीर समझते हैं। तो ऑटो वाले से मैं पूछा कि कितना जाना है, 2 किलोमीटर है, बोल रहा है 80 रुपया लेंगे। हम बोले भाई देखो देखने से अमीर लग रहे होंगे, पैसा कमाते हैं लेकिन अंदर से मिडिल क्लास हूँ मैं, 10 रुपये दे के आया। और अभी जाते हैं, मैं बता दूँ कहाँ जाना है मुझे, तो मुझे यहाँ से जाना है अभी हैदराबाद। मैं अभी घर आया था, कुछ सिक्वेंसेस था, कौन सी किस रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी था, तो उसके लिए आना पड़ा मुझे। और मैं कैमरा भी नहीं लाया तो फ़ोन से ही ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, थोड़ा सा आवाज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करना इस वाले ब्लॉग में। तो चलो देखते हैं यार, बहुत दूर चल लिया मैं, और घर से सामान मिलता है तो बैग वैग पूरा भारी हो ही जाता है। तो मुझे जाना है हैदराबाद यहाँ से, फिर हैदराबाद से सुबह सुबह मतलब पहुँच जाऊँगा मैं पूर्णा तांदूर एक्सप्रेस से। तो पूरा प्रोसेस देखते हैं, एंट्री का हर चीज़ समझते हैं, अभी मैं घुस लूँ पहले। तो ये है पूरा मेन एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट, उधर से निकलते हैं और इधर से जैसे मैं जिधर से आ रहा हूँ वो एंट्री वाला है। तो अभी तो देखते हैं, मुझे यहाँ का कुछ प्रोसेस पता है नहीं, तो आ जाओ समझते हैं, देखते हैं, चलते हैं प्रोसेस समझाते समझाते, मैं भी जाता हूँ, जो लोग फ्लाइट में नहीं गया पहली बार जाना है तो वो लोग समझ समझ के चलेंगे। तो ठीक है आ जाओ। ये एयर होस्टेस है शायद, मैं दिख रहा हूँ। तो यहाँ पे सारा सामान वामान रखना पड़ता है, तो चेकिंग हो गया यहाँ पे अभी। एक ही है मेरे पे टू लिखा हुआ है, तो यहाँ से पूरा एंट्री वेंट्री होगा। अबे क्या कर रहा है भाई, तो चलो सामान वामान घुसाते हैं फिर मिलते हैं आराम से। ये है पूरा एयरपोर्ट। अच्छा मुझे लगा कि सामान वामान चेकिंग क्यों नहीं हो रहा है, तो सामान वामान चेकिंग वाला पॉइंट तो यहाँ है ना, यहाँ पे देखो सब लोग सामान रख रहे हैं। सामान रखते हैं इसमें जाएगा, और अब यहाँ पे इंतजार करना है सामान। वाह मेरा है। हो गया, इसको कुछ नहीं करना है ना, मेरे सामान में उनको मेहनत नहीं करना पड़ा, नहीं तो वो लॉक लगा रहे थे, पता नहीं कि बीच में कोई कुछ सामान निकाले नहीं या डाले नहीं। और यहाँ पे चेक इन पॉइंट है, ये पूरा चेक इन पॉइंट है, यहाँ से मुझे किधर चेक इन करना है साला पता ही नहीं है।
से तीन पॉइंट ढूंढे को क्या करना है, किसी न किसी से तो पूछना ही पड़ेगा। तो उधर शायद लगेज काउंटर था, तो वहाँ से लगेज काउंटर अभी यहाँ पे देखो, वहाँ पे सीधा उधर जाना है, लेकिन मैं यहाँ पे बैठूँगा थोड़ा देर, क्योंकि हमारा फोन में 20% चार्ज है, तो उसको चार्ज कर लेते हैं और उसके बाद बोर्डिंग करेंगे। तो मिलते हैं। यहाँ पे एंट्री है, ये आधार कार्ड और टिकट। यहाँ से अब मेल जहाँ पे फ्लाई जाता है, शायद वहाँ पे बस बस के लिए जहाँ पे जाया जाता है, तो फीमेल वाला तो उधर है और मेल वाला इधर है। तो अभी वहाँ पे चेक हुआ मेरा आधार कार्ड टिकट वगैरह स्कैन करना होता है, और यहाँ से पता नहीं क्या है, यहाँ से क्या है आगे इधर ना, तो इधर अब यहाँ पे तो यहाँ पे ऐसे मोबाइल वोबाइल सब निकाल कर रखना पड़ेगा ट्रे में। चलो करते हैं। यहाँ पे सब सामान वामान रखना है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक सामान जितना है वो अलग रखा जाता है, और लगेज वगैरह जो है वो अलग रखा जाता है। फिर यहाँ से एंट्री है ऐसे। सूज है जो इसे मेटल है, तो सूज उतरवा के चेक किया जाता है जब भी मैं आता हूँ। तो ये सब सामान है मेरा फ्लाइट जाने वाला है यहीं से। तो ये है गेट नंबर 1, मैं आके बैठ चुका हूँ लगेज के साथ। तो अब बस पता नहीं ये बस बस जो खड़ा है ये भाई के पीछे ये वाला, ये सब तो इससे जाना तो दो एक मतलब थोड़ा ही दूर होता है, लेकिन ले जाते हैं बस से पता नहीं क्यों, नीर फिल करवाने के लिए या क्यों मुझे नहीं पता। तो अब यहाँ से बस में बैठ कर सीधा मैं पहुँचूँगा फ्लाइट तक, और वहाँ से फ्लाई करके पहुँचेंगे हैदराबाद। पूरा चेकिंग वेकिंग करने के बाद कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजन तो हुआ नहीं है, फिर भी ठीक है, तो आगे का प्रोसेस देखेंगे। मेरा बोर्डिंग टाइम है 17:45, मतलब 5:45, अभी आधा घंटा लगभग टाइम है। तो यहीं प्रोवाइड कर मूवी वूवी देखेंगे, और मैं लैंड करता हूँ कितना बजे, शायद टाइम तो 2-2.5 घंटे का फ्लाइट है, तो 8:00 का फ्लाइट लैंड होगा, और वहाँ से जल्दी से ओला करके मुझे पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ट्रेन भी जस्ट उसी टाइम पे है। तो मिलते हैं तुम लोगों से घुसते टाइम। चलो भाई एंट्री का टाइम हो गया हमारा, और देखो यहाँ से अब हल्ला गुल्ला हो ही रहा थोड़ा, तो ये पूरा एंट्री वाला काम चल रहा है, और साला यहाँ से वहाँ तक लाइन लगा हुआ था, और हम चालाक आदमी है, पहले सोचे लाइन ख़त्म हो जाता है क्योंकि हमको छोड़ के तो फ्लाइट नहीं जाएगा। तो अब धीरे धीरे बस में बैठने का टाइम हो चुका है, तो चलो वहाँ पे तो मोबाइल से टिकट दिखाना पड़ रहा है, नहीं तो वो सीन में दिखाता एंट्री का, अभी जितना हो सकता है दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे पता नहीं हम लोगों का बस तो नहीं आया है, और मुझे लग रहा है कि फ्लाइट शायद ये वाला होगा, और ये इंडिगो में है हम लोगों का, तो देखते हैं बस आता है पैदल जाना है मुझे कुछ पता नहीं है। और अगर ये वाला फ्लाइट है तो फिर तो यहाँ से बस इतना ही दूर है ये, तो यहाँ पे चले जाएंगे, नहीं तो एक उधर भी दिख रहा है, तो अभी कुछ पता नहीं है। और एक बस फुल होके जा रहा है, और मैंने सोचा यार जब वेट ही करना है लाइन में लग के तो क्यों लाइन में बैठ के वेट करना है, और मेरे जैसे 4-5 लोग और हो जाए तो फ्लाइट ही ना जा पाए, क्योंकि मैं बैठ के वेट कर रहा था लाइन नहीं लग के। आदत नहीं है ना नहीं लगने का, क्योंकि हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होता है, हम लास्ट में थोड़ी खड़े होंगे। तो चलो देखते हैं बस आएगा क्या होगा, शायद एक बस आ रहा है तो हम लोगों को वही लेके जाए। ऐसे पटना एयरपोर्ट कुछ ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट नहीं है,
तो एक साथ एक दो फ्लाइट को ये रेडी हो रहा है ये वाला, तो मुझे लग रहा है कि शायद यही हो, तो देखते हैं। चलो बस में तो बैठ गए, अब फ्लाइट पे बैठते हैं। अब पहली बार मैं फ्लाइट में जब आया तो मुझे लगा कि साले पैसा लेके फ्लाइट का बस में ले जाएंगे क्या, फिर बाद में पता चला नहीं फ्लाइट पे ले जाने के लिए भी ऐसे बस में बैठना होता है। तो हम बैठ गए यहाँ पे और भाई साहब एक वहाँ पे हैं, तो वो हमको बोल रहे थे कि कॉन्ग्रेचुलेशन तुम ब्लॉगिंग करते हो, अच्छा बात है, फ्यूचर अच्छा होगा। मैं बोला मेरा फ्यूचर सेट है, मैं शौक के लिए करता हूँ। यार बहुत अच्छा बात है, करो, ऐसे लोग अप्रिशिएट करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। अभी मुझे लग रहा है कि पता नहीं यार जहाजा तो दिख ही नहीं रहा है, और अगर ये है तो फिर बस में क्यों बैठा है, ये वाला अगर है तो यहाँ से बस में क्यों बैठा दिया हमको, वो समझ में नहीं आ रहा है। तो देखते हैं क्या करता है, लेकिन जहाजमा नहीं दिख रहा है अभी, समझ रहे हो। हम आशा करते हैं कि आपकी यात्रा सुखद रहे, हम आपसे फिर मिलने की कामना। यही है अबे, यही है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, फॉर योर सेफ्टी प्रॉब्ली होल्ड ऑन टू द हैंडरेल एंड सिक्योर। इतना ही दूर आना था, पैदल ही आ गया होगा। वी होप यू हैव अ प्लेजेंट फ्लाइट, थैंक यू फॉर चूजिंग योर फ्लाइट। बना रहा है, बोल रहा है फोटो मत खींचेगा, फोन छूना लगा, औकात है, औकात है छीनने का फोन, आ जाओ। ये चलो तो फ्लाइटों में तो बैठ गए हैं, अब देखते हैं कब तक उड़ेगा उसके हिसाब से। और टाइम तो था 18:45 मतलब 6:18:45 पे, और 2.5 घंटे का फ्लाइट है, तो हो सकता है कि 9 बजे तक उतार दे, तो देखते हैं। चलो नज़ारा कुछ ऐसा है, आप निकटतम द्वार तक पहुंच सकते हैं। विमान के पानी में लैंड करने की अनपेक्षित स्थिति में इस विमान में स्लाइड राफ्ट्स और लाइफ राफ्ट उपलब्ध है। एयरक्राफ्ट हैज लाइफ राफ्ट एंड अ लाइफ राफ्ट सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन गाइड अवेलेबल इन प्रिंट। यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ओनली इन फ्लाइट मोड, स्विच ऑफ एंड स्टोर डिवाइसेस विदाउट फ्लाइट मोड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस व्हिच कैन बी यूज्ड आफ्टर द टेक ऑफ। स्मोक डिटेक्टर्स एंड अल्कोहल कंजम्पशन मॉनिटर्स, लॉक ब्लाइंड्स एंड फंक्शनल ऑफ स्मोक डिटेक्टर्स एंड बैटरीज अलर्ट दैट आर नॉट नीडेड। मौसम खराब होने की संभावना के कारण कप्तान ने कुर्सी के पीछे बांधने का संकेत ऑन कर दिया है। सभी यात्रियों से निवेदन है वो अपनी कुर्सी पर ही बैठे रहे और कुर्सी के पीछे बांध रहे। धन्यवाद। We have your attention please, as we are anticipating turbulence due to bad weather. The captain of the North Seatbelt sign requesting all the passengers to be seated with their seatbelts fastened. Thank you.
हैं भाई हैदराबाद से, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि लग रहा है मेरा ट्रेन मिस हो जाएगा भाई, तो इसी में भरेंगे अभी, देखते हैं कैसे भी। इस ट्रेन को पकड़ने के लिए कितना भागे हैं वो हमको ही पता है। तो अभी देखो मेरा S4 में है, बहुत दिनों बाद स्लीपर में ट्रैवल करना है, नहीं तो AC में करने का आदत हो गया है। और खाना में बिरयानी पहले, यार भागा हूँ मैं स्टेशन के बाहर से, भागते भागते ना यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो चलते हैं S4 में और वहाँ पे बैठ के सबसे पहले खाऊँगा खाना, क्योंकि बहुत जोर से भूख लगा, समझ रहे हो, बहुत जोर से। तो आगे हमारा S4 तो देखो यार सीट पे तो आ गए हैं अपने, और इसमें टिकट था मेरा, इसको पकड़ने के लिए भाई इतना भागे हैं, एयरपोर्ट से निकले कुछ नहीं देना ब्लॉग शूट में कुछ, सबसे पहले गाड़ी का बुकिंग, फिर उसके बाद उसको बोले भाई जल्दी से तुम्हें समझिंग पहुंचा दे। तो उसने ऐसा पहुंचाया कि जैसे ही मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी पहुंच गया था स्टेशन पे, सोच लो मैं वहाँ से भागते भागते इसको पकड़ा और अभी आराम से ऐसा ही सो जाएंगे पूर्णा, सुबह 6 बजे तक कैसे भी पहुँचा देगा ये। तो मिलते हैं रात बीतने के बाद, रात कटने के बाद। ये था हमारा वंदे भारत, नहीं ये था डेमो। और देखो अभी मेरा जो गाड़ी है ये पूर्णा होम सिग्नल पे है, तो जन्मभूमि से कर्म भूमि पे आ चुके हैं। वैसे तो मेरा जन्मभूमि हिमाचल प्रदेश है, लेकिन गांव को ही जन्मभूमि बोलते हैं, तो मैं अभी जन्मभूमि से कर्म भूमि पे आ चुका हूँ और होम सिग्नल भी मिल चुका है। तो अब गाड़ी का स्पीड धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ये देखो काफ़ी शानदार मौसम हुआ पड़ा इधर, ये पूरा धुंध धुंध है। अब मैं सीधा जाऊंगा रूम पे और रेडी वेडी होकर, हो सकता है शाम में मुझे ड्यूटी जाना पड़ सकता है, क्योंकि सुबह सुबह मैं आ गया हूँ। तांदूर मिल गया था, तांदूर से फिर मैं बीच में गाड़ी चेंज किया, श्रीगंगानगर एक्सप्रेस जो है मैं उसमें आ रहा हूँ, क्योंकि नांदेड़ में उसको 1 घंटा रोका और उसके बाद यही पहले आने वाला था, तो हम लोगों को कोई दिक्कत तो होता नहीं, गाड़ी चेंज कर सकते हैं। वैसे उसमें मेरा टिकट था लेकिन इसमें मैं ऐसे आ गया। तो अब तुम लोगों से मिलेंगे सीधा नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा, सब बाखैर, अपना सब लोग ख्याल रखो, पढ़ाई वढ़ाई करो, और फिर मेरे जैसा घूमते रहना, बन जाओ एक बार ALBA, कोई भी जॉब, मौज है लाइफ का, समझ रहे हो। Talking to me with your eyes, I get a hint of the perfume.